नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम स्पेशल बात करेंगे कि क्या दान देने से सकारात्मक शक्तियां हमारी तरफ आकर्षित होती हैं। किसी का सवाल था ये, तो आज इसी पर मैं वीडियो बना रहा हूं। जी हां, ये ऐसा सच है, जब आप दान देते हैं तो सकारात्मक शक्ति यानी कि पॉजिटिव सोल्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दान एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम अनेकों आत्माओं को संतुष्टि प्रदान करते हैं। चाहे वो भोजन का दान है, चाहे वो कपड़ों का दान है, चाहे वो खाद्य पदार्थों का दान है। अगर कोई भी बंदा आपके द्वारा दिया हुआ भोजन खा रहा है, कोई मनुष्य खा रहा है या कोई भी जानवर खा रहा है, तो उससे उसकी आत्मा को भी तृप्ति मिल रही है और उसके शरीर को भी पूर्ति मिल रही है। तो दोनों ही काम सकारात्मक हैं और ईश्वर के हिसाब से हैं। ईश्वर जो चाहता है वो आप कर रहे हो। उसके बनाए हुए जानवरों को, उसके बनाए हुए लोगों को आप सुकून दे रहे हो। तो ऐसे में सकारात्मक शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित होती हैं ताकि वो भी आपकी झोली खुशियों से भर सके। हालांकि इंसान इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है। अगर आप ये माइंडसेट रख के दान चले ये माइंडसेट रख के चलेंगे कि आज मैंने दान दिया, कल मेरे पास घर में गाड़ी आ जानी चाहिए, परसों मैंने दान दिया, तरसों मेरी तिजोरी भर जानी चाहिए, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। किस तरीके से आपके जीवन को सुकून देना है, आपकी आत्मा को सुकून देना है, वो ईश्वर सोचेंगे। क्या आपके लिए सही है वो सोचेंगे। आप कोई भी दान करते हो तो उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट कैसे मिलना है वो कुदरत पे छोड़ दें। इस चीज़ को प्लानिंग करके ना चलें कि भाई मैं ये कर रहा हूँ तो ये मुझे मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। जब भी आप दान करते हैं किसी भी कोई भी जानवर का जिसका पेट भर रहा है और उसकी आत्मा से आशीष निकल रहा है, तो वो आशीष आपको सुख देगा, प्रदान करेगा। चाहे वो इस जन्म में हो, चाहे आने वाले आपका अगला जन्म का प्रारब्ध रचा जा रहा हो, आपको नहीं पता। और कोई मनुष्य का पेट भर रहा है, उसकी आत्मा को तृप्ति मिल रही है, उसका आशीष निकल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा मिलेगा। उससे कुछ ना कुछ उन ब्लेसिंग्स से आपका बेनिफिट ही होगा। रही बात सकारात्मक शक्तियों की, वो ये देख के अट्रैक्ट होती हैं कि भाई ये इंसान इतने भलाई के काम कर रहा है, तो हमें ये प्रेरणा इस पूरे समाज को दे रहा है, पूरी दुनिया को दे रहा है कि किसी का भला करने से, किसी की लाइफ में बेटरमेंट करने से कितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है इस कायनात के लिए, लोगों के लिए। तो वो आपको सपोर्ट करने का काम करती हैं, आपकी मदद करने का काम करती हैं, ताकि आप ये भलाई के काम जारी रखो, इन्हें बंद ना करो। क्योंकि सीधी सी बात है, आप दान कर रहे हैं और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती हैं और आप दान करने की स्थिति में नहीं रहते फिर, तो उसमें आप ईश्वर के बनाए हुए बंदों का तो कल्याण कर ही नहीं पा रहे, ना जानवरों का कर पा रहे हो, तो वो सब कार्य विरुद्ध हो गया ईश्वर के। अगर आपकी कोई मदद किसी ने करी ही नहीं, इसीलिए लोगों का छोटे से छोटा दान भी फल जाता है अगर नीयत अच्छी हो तो। हमेशा इस बात का भी ध्यान रखिए कि खाली दान एक ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं है कि आपको किसी पंडित ने कह दिया दान करो तो आप कर रहे हो। आपका मन नहीं है दान करने के लिए, आप अंदर से अपने आप को कोस रहे हो, कुढ़ रहे हो दान करते हुए, आपका जी कट रहा है दान करते हुए, गुस्सा आ रहा है कि भाई मेरा इतना पैसा खर्च हो गया इसमें, या यूं गुस्सा आ रहा है कि भाई मैंने इतना सामान दे दिया, मुझे ये बेनिफिट नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो वो दान नहीं है। वो आप एक बिजनेस कर रहे हो, वो आप एक पॉलिटिक्स खेल रहे हो, मैनिपुलेशन कर रहे हो, वो कभी भी दान नहीं कहलाएगा। ना ही कोई सकारात्मक शक्ति उससे प्रभावित होकर आपकी मदद करेगी, क्योंकि आपका खुद का अवचेतन मन, आपका मन आपको खुद को वो पढ़ता है और ईश्वर खुद आपको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं आपकी नीयत कैसी है। ये दान ऐसी चीज़ है जो मन से निकलता है, जो आत्मा की पुकार होती है, आत्मा खुद करना चाहती है कि मैं बाकी आत्माओं का भला करूं, क्योंकि अंत में हम सब आत्माएं एक ही हैं जो एक ही ईश्वर के अंदर विलीन हो जाएंगी। तो एक दूसरे की मदद करना, यानी कि एक दूसरे बहन भाइयों की मदद करना, इवन जानवर भी आपके भाई बहन हैं, क्योंकि उनके अंदर भी वही आत्मा है जो आपके अंदर है, और हम सब एक ही ईश्वर के अंश हैं। तो हम सब अलग नहीं हैं, सिर्फ शरीर अलग हैं, इसलिए हम एक दूसरे को अलग मानते हैं। इस भावना से जब आप दान करते हैं तो सकारात्मक शक्तियाँ आती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, आपकी मदद करने की कोशिश करती हैं, आपको और प्रेरित करने की कोशिश करती हैं, यहाँ तक कि आपको इस लेवल तक ले आती हैं कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लगती है, आप ईश्वर से जुड़ाव करने लगते हो। तो दान का महत्व बहुत ही कमाल का है। कहते हैं ना कि जो है दान देने से कभी धन नहीं घटता, ये इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, ये मैटर नहीं करता कि आप किस चीज़ का दान कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी कर रहे हो। दान का मतलब ये नहीं है कि आपको सोने का सिंहासन दान करना है या करोड़ों लाखों रुपए चढ़ाने हैं। अगर आप थोड़ी सी चीनी और आटा भी चींटियों को डालिया होगे ना, तो वो भी एक बहुत बड़ा दान है, क्योंकि हज़ारों लाखों चींटियाँ उसे खाएंगी, तो आप सोच भी नहीं सकते उसका कितना बड़ा महत्व है। तो मेन चीज़ इज़ नीयत, और दान आप करते रहिए जीवन भर।
आप खुद देखेंगे कि किस हद तक आप ईश्वर के करीब आ जाते हैं। और ये सकारात्मक शक्तियाँ जो अट्रैक्ट होती हैं आपके प्रति, ये भी ईश्वर की ही भेजी हुई होती हैं, जो आपको उस पाथ तक ले जाएंगी जिसके लिए आपकी आत्मा इस धरती पर आई है। आशा करता हूँ आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको इसी तरह की पैरानॉर्मल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जानकारी मिलती रहे। अगर आप किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, भूत प्रेत ज्यादा है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको कंसल्टेशन अगर चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, वो पेड होती है। आप धुनी भी मेरी मंगा सकते हैं, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या प्लैटिनम, उसको घर में जलाइए, हर तरीके के संकट से आप बचेंगे। आप मुझसे अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं। आप अपनी कोई भी परेशानी ईमेल भी कर सकते हैं मुझे। अगर आपकी स्टोरी बहुत लंबी है या आपके सवाल बहुत ज़्यादा हैं, तो यही कहूँगा कॉल कंसल्टेशन ही बुक करें, क्योंकि हर मेल का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपका सवाल ब्रीफ में हो, प्रॉब्लम छोटी हो, तो आप लिख के भेजिए, अदरवाइज़ आप कॉल कंसल्टेशन ही बुक कीजिए। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रीकृत मोहन सिंगला।